नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना भुंडेकर और इंडियन टेस्टी रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बनाने वाले हैं आलू की टिक्की, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनती है, टेस्टी लगती है। और आपको मैं इसका क्रिस्पीनेस बता सकती हूं, तो देखिए ये किस तरह से, देखिए कैसे क्रिस्पी लगती है, आवाज़ देखिए आप इसका। चलिए बनाते हैं। इन्ग्रीडियंट्स में हमने 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को फटते तक नहीं उबालना है, 2 से 3 सीटी लगाना है, और अगर कड़क रह जाए तो उसे हम ग्रेट कर सकते हैं। मीडियम साइज का अनियन लिया है चॉप्ड, आधा नींबू ले लेंगे, और 1 चम्मच हम पुदीना ले लेंगे चॉप्ड, 4 चम्मच हम चावल का आटा ले लेंगे। आपके पास चावल का आटा नहीं है तो फिर आप चावल को भी पीस कर ले सकते हैं। 2 चम्मच हमने धनिया लिया है, 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 चॉप्ड ग्रीन चिली लेंगे, 1/2 चम्मच हम चाट मसाला लेंगे, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, और नमक लेंगे हम स्वादानुसार। अब हमें आलू को मैश कर लेना है। आप मैशर से या फिर हाथ से भी मैश कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। आलू को हमने अभी मैश कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, लेमन को थोड़ी देर साइड में रख देंगे, और इसमें अभी हम पुदीना मिला लेंगे, फिर हमें धनिया डाल देना है इसमें, हरा धनिया जो हमने लिया था, और इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, भुना हुआ जीरा डाल देंगे, जीरा पाउडर, और इसमें चॉप्ड ग्रीन चिली डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे जो हमने 1/2 चम्मच चाट मसाला लिया था, अभी हमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे, और जो नमक हमने लिया था वो नमक डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हमें मिला लेना है, और हम नींबू तो भूल ही गए थे, नींबू निचोड़ लेते हैं। नींबू डाल देंगे, नींबू का रस 1 चम्मच के नींबू के रस के बराबर होना चाहिए, हमने 1/2 नींबू निचोड़ा है इसमें। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। अब हम इसमें चावल का आटा डाल देते हैं, जो कि हमने लिया था 4 टीस्पून, और इसे भी हम मिला लेंगे और एक डो बना लेंगे। चावल के आटे के जगह अगर आप ब्रेड क्रम्स लेते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर लेते हैं, तो आपकी टिक्की सॉफ्ट बनेगी, कुरकुरी नहीं बनेगी। ये हमने अभी ये सब इंग्रेडिएंट्स मिला लिया है, तो अभी हम इसका एक डो बना लेते हैं। देखिए डो बन गया है हमारा। अभी हम इस डो को 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और फिर हम अपनी टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे। टिक्की अब मैंने पहले ही 2 टिक्कियाँ बना के रख दी है। टिक्की बनाने के लिए एक छोटा सा डो का पोर्शन लेना है, और उसे सर्कुलर मोशन में घुमा के टिक्की का शेप देना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, और इस तरह से प्रेस करके टिक्की का शेप दे देंगे, और उसे थंब और फिंगर के बीच में ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, तो वो साइड की एजिंग है वो फटेगी नहीं। तो इस तरह से हमने टिक्कियाँ बना ली है, तो फिर अभी हम तल लेंगे। टिक्की को तलने के लिए हम तेल ले लेंगे, फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, और हम टिक्की को डीप फ्राई करेंगे। अब हम अपने टिक्की डाल देंगे। आपकी कढ़ाई में जितनी टिक्कियाँ आती हो उतनी आप डाल सकते हैं। मेरी कढ़ाई छोटी थी, इसलिए इसमें 3 ही टिक्कियाँ आती थी, इसलिए मैंने 3 ही टिक्कियाँ डाली हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इसे पलटते रहें ताकि ये जले नहीं। देखिए हमारी टिक्कियाँ अभी रेडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोख ले। इसी तरह से देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी टिक्कियाँ। इसी तरह से हम और भी टिक्कियाँ बना लेंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी टिक्कियाँ, रेडी हो गई है। इसी तरह से आप भी बनाइए। ये सब टिक्कियाँ तो हमने डीप फ्राई करके बनाई हैं, अब हमें शैलो फ्राई करके तवे पर टिक्कियाँ बनानी है, तो चलिए बनाते हैं। तवे को मीडियम आंच पर रखना है, और उसके ऊपर 3 से 4 छोटा चम्मच हमें तेल डालना है, और तेल को थोड़ा अगर तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो उसके ऊपर हम अपनी टिक्कियाँ रखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए मैंने टिक्कियाँ अभी रखना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप थोड़ी पतली टिक्कियाँ बनाएंगे इसमें तो अच्छा है, क्योंकि हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ी पतली टिक्कियाँ बनाएंगे, और इसे हम थोड़ा घुमाते रहेंगे, पलटते रहिए ताकि एक ही साइड से ये जले नहीं। देखिए ऐसे पलटते रहेंगे हम टिक्कियाँ को, सभी टिक्कियाँ ऐसे पलट दे, हो सके अगर ज़रूरत पड़े तो ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दे।
देखिए हमारी टिकिया कैसे गोल्डन कलर की हो गई है। इन्हें पलटते रहिए और एजिंग के लिए हमें एक चिमटे के सहायता से हमें ऐसे इसे गोल गोल घुमाना है जिससे कि जो एजिंग है वो भी अच्छे से सिक जाएगी तवे पर। इसी तरह से हम अभी दूसरी टिक्की भी ले लेंगे और दूसरी टिक्की को भी हमें ऐसे ही रोल करके कर लेना है और अभी हमें पलटते रहना है। देखिए गोल्डन कलर आ गया हमारी टिक्की का। अभी हमें इसे निकाल लेते हैं हम। मेरे बताए हुए इंग्रेडिएंट से अगर आप आलू की टिक्की बनाते हैं तो आपकी आलू की टिक्की कभी भी नहीं बिगड़ेगी और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी, तो फिर ज़रूर बनाइए। दोस्तों ये जो आलू टिक्की है वो हमने तवे पर बनाई है और ये जो दूसरी वाली आलू टिक्की है वो हमने डीप फ्राई करके बनाई है। इनका क्रिस्पीनेस मैं आपको दिखाती हूँ। तवे पर जो हमने टिकिया बनाई है उसका भी क्रिस्पीनेस देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है। खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।